बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई थी और बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं दो मुद्दों पर कैबिनेट की सब कमेटी बनने की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा होना था। कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है और बताया जा रहा है कि जल संस्थान और पेयजल निगम के एकाकीकरण के प्रस्ताव पर भी लग चुकी है मोहर, और इसके साथ ही खनन रॉयल्टी कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक खत्म हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत चाको हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। अजीत, बैठक खत्म हो गई है तो किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन किन मुद्दों को प्रमुखता से मुहर लगाती हुई कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है? वो लगभग 12 बजे समाप्त हुई है और उसके बाद अभी की अगर ताजा अपडेट दी जाए तो कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ब्रीफिंग कर रहे हैं। लगभग 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिनमें से दो प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी बनी है। उनपे सब कमेटी अपना डिसीजन लेगी और उसके बाद दोबारा से ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाएंगे। इसके अलावा जो इस वक्त की बड़ी खबर है, वो सीधे तौर पर सॉलिटर हाउस से जुड़ी हुई खबर है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में जिस तरह से लगातार मांस मदिरा को लेकर प्रतिबंध की बातचीत लगातार होती रहती है, तो ऐसे में स्लॉटर हाउस को एक तरह से प्रतिबंध करने का फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है। और जो उत्तर प्रदेश नगर निकाय नगर निगम एक्ट है, जो उत्तराखंड भी जिसको फॉलो करता है, उसमें सरकार ने कुछ संशोधन किया है और अध्यादेश लेकर आ रही है सरकार कि आने वाले समय में जनपद नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र और नगर निकाय का जो भी क्षेत्र है, वहां पर कहीं पर भी सरकार अपने स्तर से प्रतिबंध लगा सकती है किसी भी स्लॉटर हाउस को लेकर। तो सरकार की जो आने वाले भविष्य में तैयारी है, माना यह जा रहा है कि हरिद्वार जनपद को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है स्लॉटर हाउस निर्माण को लेकर, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा जो सरकार ने श्रम सेवा नियमावली है उसमें कुछ बदलाव किया है और वहां पे जो तमाम जो अभी अधिकारी कर्मचारी तैनात है उनको उसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं वो सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता है मदन कौशिक को लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। इसमें मास्टर प्लान के अंतर्गत जो 143 की जमीन के एक चिन्हित होता था वो चेंज कराना पड़ता था। कोई भी अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो उससे पहले ही अब सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, वो भी खुलकर सामने आएंगे क्या किस तरह के वो बदलाव है, नियमों में क्या कुछ किया है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अभी सामने आ रही हैं और कुछ ही देर बाद जिनको क्लियर हो पाएगा कि कैबिनेट ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की और किन किन मुद्दों को अपनी मंजूरी दी है। लेकिन अजीत, खबर ये भी आ रही है कि दो मुद्दों पर कैबिनेट की सब कमेटी भी बनी है। बिल्कुल, अगर दो मुद्दों की बात की जाए तो ये अभी कैबिनेट की सब कमेटी के पास रेफर किए गए हैं। इन दो इश्यूज पर कैबिनेट की जो सब कमेटी है, एक में मदन कौशिक, अरविंद पांडे और यशपाल आर्य तीन मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, जो तीनों अपना डिसीजन लेंगे, उसके जो तमाम पहलू है उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद दोबारा से इनको कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा एक और सब कमेटी बनी है, उसमें किन किन मंत्रियों को शामिल किया गया है यह भी सामने नहीं आया है। तो दोनों इश्यू ऐसे हैं जो सब कमेटी के हवाले किए गए हैं और आने वाले समय में सब कमेटी इन पर निर्णय लेगी और कैबिनेट उसके माध्यम से फिर अपना निर्णय सुनाएगी। जी अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 18 मुद्दों पर चर्चा हो रहा था, इनमें से किन किन मुद्दों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है? 18 मुद्दों की अगर बात की जाए तो कैबिनेट ने अपना निर्णय लिया है। प्रस्ताव 18 इश्यूज पर उनके पास आए थे, जिसमें से दो पर चर्चा हुई और वो सब कमेटी के हवाले किए गए हैं। इसके बाद जो अन्य 16 इश्यूज बचते हैं, 16 प्रस्ताव को लेकर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ब्रीफ कर रहे हैं, वो अपनी जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो कई फैसले ऐसे हैं जो पुराने थे, लंबित थे, उनको लेकर निर्णय लिया गया है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जैसे एक इश्यू की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण पर लगातार चर्चा होती थी, तो अवैध कब्जा धारकों को लेकर हमेशा से सामने बात आती थी कि उनको किस तरह से राहत दी जाए या उन पर कोई एक्शन लेना है तो किस तरह से लिया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने थोड़ा ढिलाई दी है और अब जो एक शपथ पत्र लेने का क्लॉज था वो हटाया गया है। सरकार अब कोई शपथ पत्र नहीं लेगी किसी भी अवैध कब्जा धारक से। इसके अलावा जो कुंभ मेला 2021 की बात की जाए तो वहां पर 31 अतिरिक्त पदों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है कि जो कुंभ मेला 2021 के लिए काम करेंगे और कुंभ मेला समाप्ति के साथ ही पद भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे, सभी पद डेपुटेशन पे होंगे। इसके अलावा जनपद अल्मोड़ा की अगर बात की जाए तो 2015 में नैनीसार में आवासीय विद्यालय के लिए 7 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सौंपी गई थी,
तो उसको लेकर PIL दाखिल की गई है हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट से बात सामने आने को लेकर अब सरकार ने इस पर अपना निर्णय अगली कैबिनेट के लिए रखा है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।